नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक सिगरेट कंपनी के बारे में। देखिए, जिसके नाम बहुत बार आप सुन चुके होंगे, तो जिसका नाम है आईटीसी। तो आईटीसी एक ऐसा कंपनी है जिसका मल्टी बिजनेसेस है, मतलब मल्टी पर्पस में बिजनेसेस है, अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए बिजनेस करते हैं। तो मैं आज बात करूंगा आईटीसी के बारे में, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो 52 वीक के नज़दीक है और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे शानदार से शानदार बन रहा है। तो मुझे लगता है बहुत दिनों तक आईटीसी ने जिस तरीके से एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था, मुझे लगता है अभी वो साइड बेसिस पैटर्न ब्रेक करने वाला है और एक नया रिकॉर्ड हाई कर सकता है। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो एनएससी के वेबसाइट में देखिए, आज के दिन तो मार्केट अराउंड 2% तक गिरावट देखने को मिला, मतलब सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर 2% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। और यहाँ पे देखिए, इसलिए एडवांस शेयर मात्र 8% है और 42 डिक्लाइन है, इसका मतलब ज्यादातर डिक्लाइंस है और सिर्फ 8 शेयर आज के दिन पॉजिटिव में रहा है। तो इस 8 शेयर में कौन सा शेयर है आप देख सकते हैं, इसमें हीरो मोटो को है, टेक महिंद्रा है और उसके बाद देखिए आईटीसी है। तो आईटीसी जैसे कंपनी आज के दिन टॉप गेनर के नाम में शामिल है। आप कहेंगे सर इस कंपनी में तो मात्र आज 1% तक तेजी हुआ तो फिर भी टॉप गेनर में है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए सारे के सारे आज तो लॉसेस में है, तो इसीलिए आज के दिन टॉप गेनर में आईटीसी के नाम ही देखने को मिला। तो आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो 52 वीक के नजदीक कंपनी का नाम यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। तो आप देखेंगे तो जितने सारे कंपनीज है उनमें से देखिए आईटीसी के जो यहाँ पे 52 वीक का हाई यहाँ पे देखिए लाइट कलर का ग्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कंपनी 52 वीक के हाई के नजदीक है। क्योंकि आज के दिन का इसका जो हाई हुआ था 267, इसका मतलब हाई के नजदीकी है कंपनी, तो 52 वीक हाई भी अचीव कर सकते हैं। और अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी 1 साल के अंदर 31% से भी ज्यादा रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो देखिए इतना दिनों तक जो कंपनी भाग नहीं रहा था, जो जो कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे रहा था, वो बहुत दिनों के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आईटीसी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। क्योंकि हाँ आप कहेंगे सर इस कंपनी तो सिगरेट बिजनेस से भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर तो गवर्नमेंट कभी भी रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो आपको मतलब इस कंपनी के ऊपर तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। देखिए गवर्नमेंट जिस कंपनी से मतलब ज्यादातर कंपनी टैक्सेस मतलब मिलता है वो कंपनी कभी तक अभी भी बंद नहीं करेगा। जैसे शराब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस है, तंबाकू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस है। तो जहां से कंपनी का टैक्सेस लेने के बाद कंपनी का मतलब गवर्नमेंट का जीडीपी बढ़ रहा है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, वो सेक्टर को क्या क्यों बंद करें। हाँ रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे ले आ सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन कितना ले आएंगे वो तो बाद के बात है। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी में एक अच्छा खासा तेजी का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पे आईटीसी के कैंडलस्टिक आप देखेंगे तो देखिए कंपनी बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था, तो उस लेवल को एक बार ब्रेक भी किया था मगर सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए फिर से एक बार जो ब्रेक किया और वो भी जो ब्रेकआउट हुआ वो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल में ब्रेकआउट हुआ। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट का वॉल्यूम देख लीजिए, कंटिन्यूअसली कंपनी का पॉजिटिव वॉल्यूम, इसका मतलब कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई कर भी सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे डेटा आपके सामने दिया गया है। तो देखिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी का तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, तो इस ट्रेंड लाइन के ही टच किया, 52 वीक हाई में टच किया, उसके बाद फिर से थोड़ा सा रीबैक किया। मगर मुझे लगता है यहाँ पे देखिए फिर से कंपनी यहाँ से रीबैक कर रहा है, मुझे लगता है इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर पाएंगे और एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आपको बाद में पता चलेगा। तो इन्वेस्टर के हिसाब से इस तरीके से चार्ट कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से आपको हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल
फंडामेंटल्स और कंपनी का बिजनेस के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप बिजनेस करें कि ना करें, मतलब इन्वेस्ट करें क्या ना करें, उसके ऊपर आप बातचीत करना चाहिए। तो चलो उसके ऊपर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी जैसी कंपनी करीबन करीबन 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। कोई छोटा मोटा कंपनी आप मत समझिए, दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है। और कंपनी अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे एफएमसीजी सेक्टर के साथ, पैकेजिंग के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, साथ ही साथ फार्मा सेक्टर के ऊपर भी, सॉरी फार्मा मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर है, साथ ही साथ आईटी इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कंपनी के आते हैं वो है एफएमसीजी के ऊपर, 45% रेवेन्यू सिगरेट से आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी एफएमसीजी से ही पैसा कमाते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो और भी बहुत सारे सेक्टर से वहाँ पे पैसा कमा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो आधा सेक्टर से 28%, आधा सेक्टर मतलब देखिए आप कौन सा, पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग के ऊपर, साथ ही साथ पर्सनल केयर के ऊपर, यहाँ पे देखिए सैनिटरी के ऊपर, और अपियरल्स के ऊपर, और एग्रीबर्ड्स के ऊपर, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी यहाँ पे पैसा कमा रहा है। तो अभी देखना है कंपनी कितना कर्जा लेके रखा है और कंपनी का बिजनेस किस तरीके से हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी टोटली टोटली डेट फ्री है, आप देखेंगे कंपनी टोटली डेट फ्री है, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो 269 करोड़ का है, और कंपनी का एनुअल इनकम 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी जो है वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी में बहुत पॉजिटिव और पोटेंशियल है। और एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, कंपनी का जो इन्वेंटरी डे है वो 189 इसका इन्वेंटरी डे है, और इसका जो डेटर्स डे है वो 18 डेज, मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मगर कंपनी का माल बेचने के बाद हाथ में पैसा जल्द से जल्द आ रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी के लिए। और इस कंपनी का पीयूसी भी एकदम रिजनेबल प्राइस में है, उसके इंडस्ट्रीज के पीयूसी हिसाब के कंपेयर करें तो ठीक ठाक लेवल में ही कंपनी का पीयूसी देखने को मिला है। अभी देखना है कंपनी के टोटल करंट प्राइस जो है वो 265 है, और अभी कंपनी हाई के नज़दीक भी है। कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड भी दे चुके हैं, कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय शानदार है। देखिए इतना शानदार पॉजिटिविटी होने के बाद भी आप देखेंगे कंपनी का आपको रिटर्न देने का जो परसेंटेज है वो नेगेटिव में है। एक साल में चलो 30% तक रिटर्न दिया, मगर बाकी साल में कंपनी कोई भी रिटर्न नहीं दिया, उल्टा आपका लॉसेस दिया है। इसका मतलब क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं, कंपनी में बहुत दम है, क्योंकि देखिए कंपनी का आप यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ते जा रहा है। तो साल भर में कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर भर में देखेंगे तो क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो ये डेटा आपको बता रहा है कि कंपनी अभी फिलहाल के लिए शायद काम नहीं कर रहा है, मतलब अभी फिलहाल के लिए कंपनी उतना ज़्यादा तेजी नहीं हो रहा है, मगर कंपनी एक दिन जरूर जरूर भागेगा, और वो भी बहुत तेजी से भागेगा, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है ना वो आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी जब मान के चले 2002 में जब इन्वेस्ट करके रखे थे तो आपको लगा होगा कि हाँ कब भागेगा। जो लोग 2020 तक होल्ड करके रखा तो वो 14-15 रुपये का शेयर वो कितना हो गया, करीबन 1800% 2000% तक रिटर्न आपको कंपनी ने दे चुके हैं। तो कंपनी देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया, तो रिटर्न तो नहीं दिया, मगर कंपनी ने बोनस देखिए 3-3 बार बोनस कंपनी दे चुके हैं, और साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी किया हुआ है, साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी हर मतलब साल में एक बार करके कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है। तो ये है एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर देखिए कंपनी खराब होते तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखते। देखिए इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस के पास 16% पहले था, अभी 11% है, डीएस के पास 38% था, अभी 42% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 44% होल्डिंग था, अभी 45% होल्डिंग है। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको एक अच्छा खासा फायदा इस कंपनी दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।